तो दोस्तों आज शुरू करना में चैप्टर 3 का अगला पड़ाव, बहुत ध्यान से हम समझने वाले हैं इसे सर, है ना। हमने कंसिडरेशन का बेसिक पढ़ लिया था, आज हमें अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार पढ़ना है सर। सर बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, है ना। कुछ साल पहले दो लोग मिले, गाना गाते हुए मिल जाए कहीं समय से पर, है ना। तो दो लोग थे भैया, एक का नाम राज, है ना, राज को तुम जानते ही हो, ठीक है। राज बेचारा कंपनी में काम करता था, कंपनी का डीलर था, राज द डीलर, है कि नहीं बात। हमेशा बस उसे एक ही शौक था, मोबाइल निकालो और मोबाइल से सेल्फी लो, सेल्फी। राज डीलर, सेल्फी लवर, ठीक है। और एक भैया लड़की थी, एक लड़की थी दीवानी सी, चुप चुप के वो मिलती थी, ये वाला डायलॉग है ना, मुझसे पूछा करती थी क्या कि टायर कब बेचोगे, टायर कैसे बेचोगे। हाँ सर, इसका नाम था सिमरन। सिमरन जो थी उसे बहुत ही एक खतरनाक गेम खेलने का बहुत शौक था, तुम्हारी तरह बचपन की तरह, टायर लेती थी, डंडी लगाती थी टायर पे और धनाधन 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 धनाधन, है ना, टायर बजा के सीधा पूरी गलियों में घुमाती रहती थी और रात की गलियों में भी जाती थी। अब भैया कुछ साल कुछ महीने जब ये गेम चलता रहा तो बहुत ही दुख की खबर आई, टायर बेचारा लहक गया, टायर ऐसे ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता था। उसे लगा मजा नहीं आ रहा, टायर नया खरीदना पड़ेगा। राज जो था वो डीलर था, किसका सर, टायर का ही डीलर था, सिमरन को है ना खेलते हुए देखा करता था। अब राज की जो कंपनी थी उस टायर कंपनी का नाम था डनलप टायर। क्या नाम था मुन्ना मुन्नी? डनलप टायर्स। तो डनलप टायर ने राज को अपनी डीलरशिप दे रखी थी, है ना, राइट। यानी राज का टायर का आउटलेट था, डीलरशिप दे रखी थी। डीलरशिप में बहुत ही मजेदार बात लिखी थी, सिमरन को कभी भी या किसी भी ग्राहक को कभी भी कोई भी टायर बेचा जाएगा, मिनिमम प्राइस जो होगा वो $5 होगा, $5 से नीचे टायर नहीं बेचा जाना चाहिए। अब सेल्फी लेते लेते राज के पास सिमरन पहुंची, है ना, गाना गाते हुए सेल्फी मैंने ले ली है। सिमरन ने बोला राज भैया टायर दे दो, टायर फट गया, गेम नहीं खेल पा रही, मजा नहीं आ रहा। राज ने कहा ठीक है भैया, टायर मैं तेरे को दे दूंगा, ला $5, ला $5। सिमरन बेचारी रोने लगी। सिमरन कहने लगे भाई यही दोस्ती यही प्यार, बीच में आगे पैसों की दीवार। राज ने बोला भैया दिल अपनी जगह है, बिल अपनी जगह है, पैसा तो देना पड़ेगा, टायर का पैसा देना पड़ेगा। उसने कहा तेरी दुकान से नहीं खरीदूंगा मैं, कहीं और से खरीद लूंगी, $5 का तो कहीं मिल जाएगा, क्या फायदा, गाना गा दिया, तेरी गली में रखेंगे कदम आज के बाद। राज बेचारा बहुत दुखी हुआ, सिमरन ऐसा मत कहो। तो उन्होंने कहा टायर सस्ता देना पड़ेगा। आखिरकार प्यार मोहब्बत में उसने टायर $4 का सिमरन को दे दिया और सिमरन ने $4 राज को पे कर दिए, खुशी खुशी दोनों घर, है ना। राज भी खुश कि अब टायर गली में ही चलाया करेंगे, सिमरन भी बिल्कुल खुश कि भैया टायर क्या होगा, है ना, सस्ता मिल गया, पूरी गली में टायर बढ़िया तरीके से चलेगा। अब मुसीबत क्या आई? मुसीबत ये नहीं आई कि उन्होंने $4 में डील कर लिया, मुसीबत ये आई कि $5 को जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया तो $4 में बेचने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो अब ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, डनलप टायर ने इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को स्यू कर दिया कि दिस कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर, बेकार है, वॉइड है, है ना, राइट। बिकॉज अ डीलर कैन नॉट सेल द प्रोडक्ट बिलो $5, कि $5 से नीचे वो सामान नहीं बेच सकता, इसलिए $4 की डील ये बिल्कुल वॉइड है। सिमरन से कह दो या तो $1 और दे दे या टायर वापस कर दे। अब ये बात कि भैया कॉन्ट्रैक्ट बेकार है, ये कॉन्ट्रैक्ट यूजलेस है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, ये बात डनलप टायर ने कोर्ट में घसीट ली, कोर्ट में ले गए। क्या लगता है भैया तुम्हें,
कि कोर्ट में ले जाने के बाद क्या ये एग्रीमेंट $4 का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा या वॉइड हो जाएगा? क्या सिमरन को टायर लौटाना पड़ेगा या लौटाना पड़ेगा? बोलो भैया, बच्चे कहने से लौटाना पड़ेगा। जब $5 की डील हुई थी तो $5 में कम से कम $5 तो देते कम से कम है। लूट लो किसी को, $4 में क्यों बेच रहे हो? कंपनी पागल थोड़ी है जो $5 में कॉन्ट्रैक्ट करे बैठी है, राइट? तो सर सिमरन को लौटाने पड़ेंगे। बिल्कुल गलत जवाब, लगा लो काटे। सर सिमरन को नहीं लौटाने पड़ेंगे। रीजन ये कि तुम खुद सोच के देखो, कभी तुम्हें किसी ने कोई सामान बेचा और बाद में कॉल कर रहा है, भैया तुम कल सामान ले गए थे ना 5,000 रुपए का, वो गलती से 5 का बेच दिया, 5.5 का था भैया, 500 और दे दो, तो 500 दे दोगे तुम उसे वापस? चलो तुम्हारे घर के आसपास हो, है कि नहीं बात? रिलैक्स हो, चप्पल निकाल लोगे, अपनी पागल हो रहा है तो कल हमें महंगा लग रहा है इतना, 500 और मांग रहा है। ऐसे तुम्हारी बात करते हैं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमसे मान लो फीस ले ली लॉ की, है ना, मान लो 10,000 फीस ले ली, अब मैं कह रहा हूँ मैंने तुमसे लॉ की फीस ली ना, गलती से कम ले ली, है ना, राइट? अभी तो आधा थोड़ा कोर्स हो गया है, एक काम करो 2,000 रुपये और लिया ना। अरे क्योंकि क्योंकि मैंने तुमसे जो फीस ली उसलिए कम ली, क्योंकि मेरी जो कंपनी है, मेरी कंपनी जो है, कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, कोचिंग वालों ने कहा है कि भैया तुमने गलती से कम ले ली फीस, कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए, तो 2,000 रुपये और दे दोगे क्या? हाँ, दिल पे लगी ना बात, अब रोने लगे, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो ये जज साहब कह रहे हैं, भैया ग्राहक को तुमने एक किसी भी प्राइस पे डील दे दी। किस प्राइस पे डील दे दी तुमने? $4 ग्राहक को प्राइस पे डील दे दी। अब ग्राहक को इससे क्या मतलब, या ग्राहक को इससे क्या पता कि तुमने वो डील 5 की कर रखी है, 6 की कर रखी है, या 3 की कर रखी है? ग्राहक को 4 का मिल गया, ग्राहक चला गया, ग्राहक तो भगवान होता भैया, है ना। हाँ, तो ग्राहक को परेशान नहीं करना। तो जज साहब ने अब इसको लीगल फ्रेमिंग कैसे दी, जज साहब ने इसका लीगल आंसर कैसे बताया? जज साहब ने बोला, बहुत ध्यान सुनेंगे, जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड नहीं होगा, रीजन बीइंग राज एंड सिमरन कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? वैलिड होगा। रीजन बीइंग जो डनलप टायर है, जो डनलप टायर्स है, डनलप टायर क्या है? डनलप इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा बंदा है जो स्ट्रेंजर है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो डनलप टायर को बोला गया डनलप टायर इज स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं बात? और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, यानी वो स्ट्रेंजर है, यानी कि एक तरीके से वो एक ऐसा स्ट्रेंजर है जो दो जनों के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में टांग नहीं अड़ा सकता, है ना। तो हमारे देश में कहावत चलती है, भैया दूसरे काम में टांग मत अड़ाओ। ऐसी राज और सिमरन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक तीसरा बंदा चाहे उसने राज को कुछ भी कह रखा हो, वो इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में टांग नहीं अड़ाएगा। बस समझ आ गई? तो जज साहब ने बोला स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। एग्जाम में बिल्कुल बढ़िया यही शब्द लिखे मिलेंगे। अब कभी तुम बीकॉम का एग्जाम दो या कोई भी, है ना, यूनिवर्सिटी का एग्जाम दो, तो एक सिंपल क्वेश्चन आता है लिखने वाला, है ना, उसमें बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो लिखेंगे और इंटरनेट से सर्च करके आप, है ना, इसको प्रूफ करेंगे। कल हमने एक बड़ी खतरनाक बात पढ़ी थी चिनाया वर्सेस रामाया में, तुम्हारे पिताजी के बारे में, है ना, कि फीस पापा ने दी, तो पापा कौन है? पापा कौन है सर? पापा भी स्ट्रेंजर है, मेरे लिए तो स्ट्रेंजर है, पर पापा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पापा स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है। कि कंसिडरेशन किसने दिया? बदले में फीस किसने दी? कंसिडरेशन दिया पापा ने, तो पापा मेरे लिए स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, वो वैलिड है, वो केस भी कर सकते हैं, अगर मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊं तो वो केस कर सकते हैं। तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू, यानी कि वो वैलिड होता है। बिल्कुल सही बात, चिनाया वर्सेस रमाया, मौसी वाला केस, है ना, तुम्हारे पापा, अगर मैं तुम्हें ना पढ़ाऊं तो पापा भी सू कर सकते हैं, तुम भी सू कर सकते हो। तो पापा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू एंड वैलिड, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, सिमरन राज वाला केस, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? डनलप टायर, कैन नॉट सू। दोनों ही बातें 100% सच है, ट्रू, दोनों बातें ट्रू है। लिखकर आप बताएंगे 1-1.5 पेज में कि आप कैसे प्रूफ करेंगे। तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू,
इसमें तो आपको लिखना पड़ेगा चिनाया वर्सेस रमाया, है ना, सॉरी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैंस यू, राइट। तो इसमें तो हम ये लिखेंगे सर चिनाया वर्सेस रमाया, ये रहा मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, ये वाली बात पूरा केस लिखेंगे। और आज की बात क्या लिखेंगे, अगर रिटर्न में क्वेश्चन आया यूनिवर्सिटी में, आज की बात लिखेंगे ये स्ट्रेंजर टू कॉन्टेक्ट कैन नॉट सू, ये लिखी बात। और अब रीजन आया क्यों स्ट्रेंजर टू कॉन्टेक्ट क्यों, तो जज साहब ने रीजन दिया ये है वो खतरनाक बात जो एग्जाम में आएगी और लिखनी बहुत जरूरी है, क्या, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रीविटी। प्रीविटी मतलब क्या होता है सर, प्रीविटी का मतलब होता है रिलेशन, रिश्ता, कनेक्शन, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ कनेक्शन, यानी कि डनलप टायर का राज और सिमरन के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं पाया गया, तो कोई प्रीविटी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर इनका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर, वैलिड होगा। डनलप टायर जो केस कर रहा है वो वॉइड केस कर रहा है, नहीं, वो बेकार केस कर रहा है। दो, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन नॉट स्यू, कैन स्यू, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू, बट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, रीजन बींग बिकॉज ऑफ प्रिविटी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये लिखी बात सर, देर वॉज नो प्रिविटी टू द कॉन्ट्रैक्ट, नो प्रिविटी टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सर बहुत ही खतरनाक बात सीख ली हमने, देर वॉज नो प्रिविटी, नो प्रिविटी, नो प्रिविटी, नो प्रिविटी, नो प्रिविटी, प्रिविटी मतलब कोई रिश्ता, कोई रिलेशन नहीं है, डनलप टायर का कोई भी रिलेशन नहीं है राज और सिमरन के केस में, समझ गए सर, बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, वही होगा टेस्ट, हाँ सर, मैम के पास सर इसके एक्सेप्शन, अब एक्सेप्शन पे ध्यान देंगे सर, एक्सेप्शन पे ध्यान देंगे, अगर मैं बोलूं इसके एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन के ऊपर क्या लिखोगे, अभी हमने पढ़ा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, अब इसका एक्सेप्शन क्या है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर है बट स्टिल ये लो भैया एकदम से हालात बदल दिए, जज्बा बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बा बदल दिए, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्टिल सू, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्टिल सू, अभी जनरल लॉ क्या पढ़ा, जनरल लॉ ये पढ़ा कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं करता, अब इसका उल्टा विपरीत कॉन्ट्रैक्ट क्या पढ़ रहे हैं कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू करेगा, सर ये कैसी बात हो गई सर। अब पहला केस बहुत ध्यान से सुनना, पहला केस, एक भैया अंकल जी थे भैया ना, उनकी एक लड़की थी, लड़की का नाम था अनारकली, अनारकली डिस्को चले, अब एक भैया थे भैया उनका नाम था शलीम, अरे भाई शलीम, और ये थे भैया शलीम के पापा, पापा, अब शलीम कहने लगा विवाह करूंगा तो अनारकली से करूंगा वरना किसी से नहीं करूंगा, अब अंकल जी, शलीम के पापा अंकल जी के पास पहुंचे, पी इसके पास पहुंचे सर, अंकल जी के पास पहुंचे, ठीक है बात समझ में आई ना, किधर कितने बजे टेस्ट, उसी कमरे में हो जाएगा ना, है हाँ उस कमरे में हो जाएगा, उसी कमरे में बैठ के दे दो, क्या तो वहां सर की क्लास चल रही है, वहां हो जाएगा टेस्ट, मैम को क्या तो हो जाएगा, है ना। तो पिताजी पहुंचे अंकल जी के पास कि अंकल जी अपनी लड़की का विवाह मेरे लड़के से संपन्न कराया जाए, अपनी लड़की का विवाह मेरे लड़के से संपन्न कराया जाए, अब पिताजी बोले अरे रहन दो तुम मेरी लड़की खर्चे नहीं उठा पाओगे, अरे भैया रहन दो, अंकल जी बोले क्या बात कर रहे हो, हाँ तुमने कहा भैया मेरी लड़की के तुम खर्चे नहीं उठा पाओगे, अब सलीम के पापा ने बोला पापा बैठ उठ लगा बम कैसे पड़ेगा पापा, पापा ने बोला आप बोलो लड़की के खर्चे कितने हैं, अंकल जी ने बोला है नहीं चिंका डालो भैया जितना मेरी लड़की एक महीने में उड़ाती है ना उतना तो मेरी उतना तो गाड़ी मेरा तेल खाती है, यहाँ लड़ा लगा ना,
अंकल जी ने वादा कर दिया, भाई साहब टुच्ची बात कर दी आपने, मैं आपसे वादा करता हूं, कॉन्ट्रैक्ट करता हूं 10 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए पर महीना किसको दूंगा, आपकी बेटी को दूंगा, आपकी बिटिया को दूंगा, एज अ पॉकेट मनी, पॉकेट खर्चा पानी, शादी करा दो बस। लड़का हमारा बेचारा क्या हो रहा है, बहुत ही गमगीन हो रहा है ना, इससे पहले आत्महत्या कर ले, शादी करा दो। अब इन दोनों की शादी करा दी गई और पापा पापा हर महीने 10 लाख रुपए महीना पर मंथ पे करते रहे शादी होने के बाद। अब अगला हिस्सा सुनेंगे सर, हुआ क्या, बहुत ही दुख की खबर आई, दुख की खबर आई, अनारकली के पिताजी, अनारकली के पिताजी मिस्टर यू बेचारे अल्लाह को कह रहे हो लिए, मिस्टर यू डाइड है ना, बेचारे अल्लाह को प्यारे हो लिए। अब अनारकली बहुत दुखी, पापा भैया पापा चले गए, भैया क्या करें, लेकिन घड़ियाली आंसू तो पापा बहा रहे हैं सलीम के, लेकिन मनी मन बहुत खुश, क्यों, उन्हें लग रहा है अब तो पिताजी चले गए, अब इसको 10 लाख रुपए महीना नहीं दिया करूंगा, पैसा बचेगा। पिताजी के अंकल जी के मरने के बाद पी ने अनारकली को क्या देने से मना कर दिया, 10 लाख रुपए पर महीना देने से मना किया, हम ना दे रहे भैया, हम ना दे रहे। अनारकली कहने लगी क्यों ना दे रहे, पापा से तुमने वादा किया था। पी ने बहुत खतरनाक बात बोली, पी ने बात बोली कि भैया पापा से वादा किया था, पापा निकल लिए बेचारे है ना, अब मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, तो अगर मुझसे कोई केस लड़ने आएगा तो पापा आएंगे, पापा आएंगे ऊपर से मेरे घर अर्जन आएंगे, अब क्या पापा आएंगे ऊपर से कि भैया पापा मेरे ऊपर केस करेंगे। तो पी ने दलील दी, अनारकली ने केस कर दिया, अनारकली डिस्को चली, अनारकली स्यू मिस्टर पी कि मुझे 10 लाख रुपए महीना मिलने चाहिए, 10 लाख रुपए महीना मिलने चाहिए। पापा ने बहुत खतरनाक बात बोली, पापा ने बोला कोर्ट में, पापा सेड अनारकली कौन होती है केस करने वाली, कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ, पापा ने बोला कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरे और अंकल जी के बीच में, यानी पी वर्सेस यू का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपकी बेटी को 10 लाख दूंगा। अनारकली कौन है, कॉन्ट्रैक्ट तो इनके बीच में हुआ है, अनारकली कौन है, तो अनारकली निकली स्ट्रेंजर। अनारकली कहने लगी मैं पता कौन हूं, मैं हूं भैया आपकी बहू, ए ससुर जी सुनील शेट्टी की तरह, ससुर जी मैं छोड़ूंगी नहीं, ससुर जी कह रहे भैया तू मेरे ऊपर केस कर ही नहीं सकती, पापा ही केस कर सकते थे, पापा रहे नहीं, अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म, झंझट खत्म। जज ने क्या केस किया, जज ने क्या डिसीजन दिया, बहुत खतरनाक डिसीजन दिया, जज ने कहा अनारकली इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बट अनारकली इज बेनिफिशियरी, क्योंकि किसी को फायदा है ना, उसके पिताजी क्या करके थे कॉन्ट्रैक्ट, उसके पिताजी बेटी के फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके थे, तो अनारकली इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बट शी इज बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट, यानी वो बेनिफिशियरी है, अगर अनारकली बेनिफिशियरी है तो वो स्यू कर सकती है ना, और उसका केस क्या हुआ वैलिड होगा, क्योंकि बेनिफिशियरी को वो फायदा हमेशा मिलना चाहिए। तो कौन जीता, अनारकली विंस, और 10 लाख रुपए महीना उसको पेमेंट मिलती रही आजीवन मिलती रही, जब तक पिताजी पापी पी 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 मिस्टर पी जिंदा रहे। अब ये लॉ क्यों आया है ना, ये लॉ इसलिए आया, अनारकली स्ट्रेंजर है पर स्ट्रेंजर होते हुए बेनिफिशियरी है, इसलिए वो जीता। रीजन बिंग जज साहब ने पहला एक्सेप्शन बनाया ट्रस्ट, पहला एक्सेप्शन बना सर ट्रस्ट मतलब जिसके फायदे के लिए आप दान देते हो। एक बार देखो ट्रस्ट, जैसे मान लो बीइंग ह्यूमन शैलमोन भाई का बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट है, तुम शैलमोन भाई को क्या दिया है, दान दिया है, तो वो दान वो किस में लगाएंगे, गरीब बच्चों के भले में लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। अब तुम तो भैया दान दे के वापिस आ गए नोएडा, शैलमोन भाई मुंबई में है, तो तुम्हें क्या बताऊं गरीब बच्चों के भले में पैसे लगा रहे है कि नहीं बात। तो जज साहब ने बोला कि भैया एक बंदा मैं नोएडा से बीइंग ह्यूमन को दान दे के आया, मैंने दान दे दिया भैया 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए गरीब बच्चों के भले में लगने चाहिए। अगर मैं मुझे पता ही नहीं लग रहा, और मैं केस भी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता ही नहीं वो कहां लगा रहे पैसे,
तो जिनके बेनिफिट के लिए पैसे लगने चाहिए उनको राइट है कि वो अपना बेनिफिट, अपना अधिकार मांग सके, क्योंकि उनके भले के लिए पैसे दिया गया है। तो ट्रस्ट के खुलने का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट के खुलने का मतलब ये होता है कि जो भी दान पैसा है ना आता है, जो भी पैसा आता है वो उसके बेनिफिट के लिए दिया जाए जिसके बेनिफिट के लिए वो पैसा इकट्ठा किया गया है। तो पैसा किसके लिए इकट्ठा किया गया है ना, बहू के लिए इकट्ठा किया गया। बहू का नाम था रियल लाइफ में हुसैनी बेगम और केस का नाम था ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम। ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, ये वाला गाना गाते हो, ये लिखी बात ये पुष्पा, ये लिखी बात। हुसैनी बेगम एंटाइटल टू रिकवर द अमाउंट एज हुसैनी बेगम इज बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट। इवन हुसैनी बेगम इज अ स्ट्रेंजर, तब भी वो क्या है सर, पैसा मिलेगा। यानी ये लिखी बात, बेनिफिशियरी होना चाहिए, बेनिफिशियरी होना चाहिए। बात समझ में आ गई? सेम बात, मैंने भैया मैंने मान लो लॉ की किताब तुम्हें भेजी एमपी, भैया तुम एमपी में रह रहे हो, ठीक है, मैं गया पोस्ट ऑफिस, तुम एमपी में, मैं नोएडा में। अब पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया, मैं आपकी किताब क्या करूंगा सर, एमपी पहुंचा दूंगा, कॉन्टेक्ट तो पोस्ट ऑफिस मेरा हुआ ना पुष्पा। हाँ की बात, हाँ सर बात समझ में आ गई। पोस्ट ऑफिस ने किताब गायब कर दी, खो दी, खराब कर दी, तो कॉन्टेक्ट आपके मेरे बीच होगा, आप भी मिस्टर एमपी भी पोस्ट ऑफिस पर सीयू कर सकते हैं, क्योंकि आप कौन है, आप उस किताब के बेनिफिशियरी हैं। तो बेनिफिशियरी कैन सीयू, केस का नाम आया आमिरुल्लाह वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। डमटी यानी एमपी एंटाइटल टू सीयू बिकॉज वो स्ट्रेंजर तो है, पर स्ट्रेंजर होते हुए भी वो उसका बेनिफिशियरी है, ट्रस्टी है, बेनिफिशियरी है। बात समझ में आ गई ना? तो सर पहला एक्सेप्शन ये बना, बहुत सिंपल सिंपल एक्सेप्शन है, ध्यान से याद करेंगे बस। अगली बात सर, बहुत ध्यान सुनेंगे, अगली बात बहुत ही मजेदार बात, फैमिली सेटलमेंट है ना। अब भैया बहुत साल पहले मान लो भैया झगड़ा हो गया, किसका, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी, ए अनिल ए मुकेश, धीरू भाई अंबानी गुजरते ही, मम्मी हमारी बहुत होशियार थी है ना, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी की मम्मी, मम्मी कहने लगी पापा के जाते पैसा बांट लिया है, इसे बोलते हैं फैमिली सेटलमेंट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली केस में फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट। क्या बोलते हैं भैया, फैमिली सेटलमेंट बोलते हैं। पापा पापा के जाते अपने आप को है बिजनेस अलग अलग कर लिया, नलायक हो, शर्म ना आई। अब मम्मी कहने लगी आज तुमने बिजनेस बांट लिया, कल को मम्मी बांट लोगे, है कि नहीं बात, पैसे ऐसा दोगे नहीं, मुझे भी बेदखल कर दोगे। मम्मी कहने लगी मैं साइन नहीं करूंगी तुम्हारे एचयूएफ के सेटलमेंट में, यानी जब एचयूएफ का पार्टीशन होगा मैं साइन नहीं करूंगी, मैं बटने नहीं दूंगी बिजनेस, मैं चलाऊंगी। अब दोनों बच्चों ने बोला मम्मी अब क्या बुढ़ापे में कहां, अब तुम चक्कर में पड़ रही है, काम करते हैं, एचयूएफ से जो भी पैसा हमारा बटेगा उसमें से कुछ हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इन दोनों भाइयों ने कॉन्टेक्ट किया कि हम कुछ मम्मी के लिए अपने अपने पैसों से इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट से जो भी फायदा होगा, जो भी पैसा आएगा, जो भी डिविडेंड आएगा, ब्याज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वो पैसा मम्मी को। तो दोनों ने कहा चलो काम करते हैं, 100 करोड़ रुपये मम्मी के नाम पे क्या कर लेते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लो 10% का ब्याज आया, रिटर्न आया, तो मम्मी 10 करोड़ रुपये आपको मिलते रहेंगे सालाना, पूरे साल के आपको 10 करोड़ रुपये मिलते रहेंगे। 10 करोड़ में तो बढ़िया जीवन चला लोगी, गाड़ी चल जाएगी, चलेगा भाई, चलेगा भाई, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, है कि नहीं बात, राइट। तो 10 करोड़ रुपए मम्मी कहने लगी चलो ठीक है, फिर ठीक है। अब एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर ब्रेकअप, या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था है ना, हाँ सर, बस मत याद दिलाओ सर, दिल करेगा मेरा, है कि नहीं बात। तो भैया ब्रेकअप के बाद ए और एम ने इन्वेस्टमेंट का पैसा मम्मी को देने से मना कर दिया, मम्मी को नहीं दिए। मम्मी ने गुस्से में दह केस मारा अपने बच्चों के ऊपर, केस फेंक के मारा, ये लो है, पापा के जाने के बाद एक तो बंटवारा कर लिया, बंटवारा करने के बाद मम्मी से झूठे बात कर दी, झूठे बात करके साइन करा लिए, मैंने केस कर दिया। ए और एम बहुत चालू निकले, ए और एम ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और एम के बीच में। मम्मी तुम कौन हो, मम्मी तुम कौन हो, मम्मी मम्मी यू आर स्ट्रेंजर, तुम हो
स्ट्रेंजर तुम हमारे ऊपर केस ही नहीं करती, कॉन्ट्रैक्ट तो अनिल और मुकेश के बीच में हुआ है, हमारे ऊपर काय केस कर रही हो मम्मी। जब मम्मी ने बात कोर्ट में बताई तो मम्मी को स्ट्रेंजर होने के साथ साथ बेनिफिशियरी माना गया। नैने मम्मी जज साहब ने क्या बोला, ये लिखी बात, मदर इज बेनिफिशियरी, ऑल्दो मदर इज अ स्ट्रेंजर बट स्टिल आर बेनिफिशियरी। और अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, अगर कोई बेनिफिशियरी है तो बेनिफिशियरी क्या करेगा सर, केस करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। जज साहब ने बोला मम्मी, मम्मी कौन है, शुप्पू मम्मी थी, शुप्पू मम्मी इज स्ट्रेंजर बट स्टिल कैन सू बिकॉज स्टिल शी इज अ बेनिफिशियरी, और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियरी होकर स्यू किया जा सकता है। बोलो मजा आ गया सर, सर मजा आ गया सर, बहुत तगड़ा केस बताया, घर में बताने वाला केस है कि मम्मी आपके नाम पर कोई भी है ना इन्वेस्टमेंट आपके बच्चे कभी करेंगे और आपको अगर पैसा ना मिले तो अपने बच्चों के ऊपर केस करके आप जीत जाओगी, चाहे आपके नाम पर हमने किया हो, लेकिन लेकिन एक शर्त याद रखना, वो होनी चाहिए राइटिंग में, कहाँ होनी चाहिए सर, राइटिंग में होनी चाहिए, लिखे शब्दों में, और सेटलमेंट के फैमिली सेटलमेंट में होनी चाहिए बातें, यानी एचयूएफ के ब्रेकअप पे होनी चाहिए बातें, केस एचयूएफ के ब्रेकअप का था। सर अगला केस देखेंगे बहुत ध्यान से, अगले केस में भी सेम कहानी है ना, बस रिजल्ट सेम है, कहानी मतलब अलग है। एक भैया एचयूएफ थी, एचयूएफ में तीन भाई थे, अमर अकबर एंथनी, है ना, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी तीन भाई थे, तीनों भाइयों के एक एक बेटी थी, डॉटर वन, इसकी भी डॉटर वन, इसकी भी डॉटर वन, अब तीनों के एक एक बेटी थी, तीनों मिलके बिजनेस चलाते थे, तीनों ने एचयूएफ के एग्रीमेंट में लिखा जब भी बिटिया की शादी होगी, होगी नहीं होगी, जरूर होगी मियां, जरूर होगी, बेटी की शादियों का खर्चा अपनी पर्सनल जेब से नहीं देना, एचयूएफ के रिजर्व एंड सरप्लस से होगा, एचयूएफ की बैलेंस शीट से दिया जाएगा, एचयूएफ के प्रॉफिट से ही दिया जाएगा, प्रॉफिट से मिलेगा, बहुत बढ़िया बात है। डॉटर वन की शादी हुई, बहुत धूमधाम से, मजा ही आ गया भैया, मजा ही आ गया, मनीष मल्होत्रा का लहंगा सिलवाया गया बहुत तगड़ा, 10 लाख रुपए का, मंजली, मंजली समझते हो ना, बीच वाली, मंजली की शादी का नंबर है, बहुत धूमधाम से शादी, बहुत धूमधाम, ढोल बजे, बहुत तगड़े भैया, बहुत तगड़ा, मनीष मल्होत्रा का लहंगा सिला बहुत बढ़िया, 20 लाख का, उरी दादा, ऐसी चीजें देखकर, ऐसा खर्चा देखकर, ऐसे बढ़िया बढ़िया चीजें देखकर डी कहने लगी तीसरी बेटी, मम्मी मैं नहीं कर रही पढ़ाई वढ़ाई, कुछ ना रखा मम्मी पढ़ाई वढ़ाई में, मेरी भी शादी कर दो, मैं मेरी शादी कर दो, इतनी बड़ी बड़ी शादी हुई दीदी होगी, मेरी भी शादी कर दो मम्मी, मैं पढ़ाई वढ़ाई बाद में कर लूंगी, मम्मी 21 साल की हो, मैं 21 साल में कर देना शादी, घर वाले कहने लगे पढ़ ले नलायक पढ़ ले, है ना, कमा लेगी उसके बाद तो शादी तेरी कर ही लेंगे, सीएम बन गई हो, शादी कर लियो पहले, अब उसकी शादी टाल दी। फिर बाद में क्या हुआ, तीनों भाइयों में लड़ाई हो गई, अमर अकबर एंथनी का एचयूएफ ब्रेक हो गया, एचयूएफ टूट गई, एचयूएफ टूटी टूटी, और जब शादी का नंबर आया D3 की डॉटर तीसरी का, जब शादी का नंबर आया तो एचयूएफ ब्रेक हो चुकी थी, बहुत दुख की खबर आई, पापा ने बोला कि तेरी शादी में बेटी पैसा मैं ज्यादा खर्च नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ मैं ही पैसा लगाऊंगा, तेरे ताऊजी पैसा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई हो गई और पार्टीशन हो चुका है, एचयूएफ टूट चुकी है, एचयूएफ की बैलेंस शीट भी हमने बांट ली, तीनों भाइयों ने बिजनेस बांट लिया, अब एचयूएफ से जेब से पैसा नहीं जा सकता। अरे मेरी क्या करे, अरे मेरी ये बेचारी बेटी बहुत परेशान, पापा लहंगा बेटी मैं सिलवाऊंगा, मैं 2-3 लाख का, मेरे पास टोटली 20 लाख रुपए बचे हैं, है ना, अब मेरे 20 लाख रुपए हैं तो भैया 20-25 लाख में मैं लहंगा 20-25 लाख का सिलवा दूंगा, तेरी शादी की रस्में कैसे पूरी होंगी, शादी खर्चे पैसे पूरे होंगे, अगर भैया तीनों भाई मिलके कर रहे होते तो 25 मैं देता, 25 बड़े ताऊ जी, 25 छोटे ताऊ जी, ऐसे करके देते तो 75 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते, धूमधाम से तेरी शादी होती, 20-25 लाख का तेरा भी लहंगा बनवा देते, भैया क्या करे, पार्टीशन हो गया। अब बताओ डी ने क्या किया होगा, डी ने अपने ताऊजियों के ऊपर क्या कर दिया सर, केस कर दिया, डी का नाम था रकमन भाई, और केस करने के बाद कोर्ट में बोला मेरी शादी भी एचयूएफ भले ही ब्रेक हो गई हो, एचयूएफ के खर्चे पानी से ही करी जाएगी,
पैसा मेरे पिताजी अकेले नहीं देंगे, शादी का सारा पैसा एचयूएफ की बैलेंस शीट से होना चाहिए था, यानी दोनों ताऊजी भी मेरी शादी में पूरा पूरा पैसा देंगे। देख रहे हो भैया क्या हालत हो रही है। बहू ने ससुर के ऊपर केस कर दिया, मम्मी ने बेटे के ऊपर, बेटों के ऊपर केस कर दिया, यहां एक बेटी ने अपने पापा और ताऊ के ऊपर केस कर दिया। पापा क्या करे, पापा ताऊ के ऊपर पापा के ऊपर केस कर दिया। बताओ घर परिवार वाले कोर्ट में लड़ रहे 100 साल पहले, बताओ भैया क्या जमाना आ गया। कौन जीतेगा सर, कौन जीतेगा? जी हाँ बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बेटी जीतेगी। रीजन बीइंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ अमर अकबर एंथनी के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट में यह कहा गया कि शादियों का बेनिफिट किसे दिया जाएगा, बेटी को। तो बेटी और D1 D2 D3 क्या हो गई, बेनिफिशियरी। तो अभी हम यही तो पढ़ रहे हैं, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट अगर बेनिफिशियरी है, तो वो स्ट्रेंजर होते हुए भी स्यू कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हुआ अमर अकबर एंथनी के बीच में, बेटी कौन है, बेटी है हमारी स्ट्रेंजर, जिसके लिए बेनिफिट क्या है, स्ट्रेंजर है, लेकिन स्ट्रेंजर होते हुए बिटिया क्या हो गई, बेनिफिशियरी हो गई। भैया बेनिफिशियरी हो गई तो जीत गए भैया। ये लिखा बात, इट वॉज हेल्ड दैट बिटिया कैन स्यू एंड टेक द मनी, समझे, बेटी जीत गई। बेटी कौन थी, स्ट्रेंजर थी। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। हाँ सर सभी बच्चे कह रहे हैं बहुत मजा आ गया सर, बहुत मजा आ गया। अगली बात सर, एक्नॉलेजमेंट, ये बहुत आसान है सर, सिंपल सा केस, सिंपल बहुत सिंपल केस है ना सर। क्या भैया, मैंने पैसे देने थे भैया किसी को, है ना, तो मैंने बोला इन पकड़ लिया भाई को, एक देवांश को पकड़ लिया, मैंने कहा देवांश भैया, ओ देवांश, कह रहे जी सर बताओ, भाई ये ले पकड़ 1,00,000 रुपए, ये पैसे ना मैं जरा 2-3 महीने के लिए विदेश यात्रा पे जा रहा हूँ, तो ये पैसे दे दियो भाई, है ना, अकाउंट्स वाले भैया को दे दियो। हाँ सर दे दूंगा, मैंने कहा ना हाँ दे दूंगा, नहीं इधर आ कैमरे में आ, अकाउंट्स वाले भैया से बात कर, मैं फोन मिला रहा हूँ, हेलो सर एक मिनट, देवांश आ रहा है, हाँ मैं आपके पैसे बचा दूंगा, मेरे को बहुत जल्दी निकलना, फ्लाइट निकलने वाली मेरी, तो भैया मैं देवांश को पैसे दिए जा रहा हूँ, आप उससे ले लेना सर, मैं बात कर रहा हूँ देवांश, ये देवांश जरा, मैंने देवांश को दिया बात, देवांश कह रहे हेलो सर, मैं देवांश बोल रहा हूँ सर, हाँ 1,00,000 रुपये ले लिया मैंने, ले लिया अपने हाथ में, ले लिया 1,00,000 रुपये, हाँ सर मैं कल आऊँगा ना कोचिंग में, आपको दे दूंगा, ठीक है सर, थैंक यू सर, हाँ रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड ठीक है सर। अब देवांश ने क्या किया सर, वादा कर दिया किसको सर, अकाउंट्स वाले भैया को, आपके 1,00,000 रुपये मैंने अंकुर भैया से ले लिए हैं और मैं आपको पैसे दे दूंगा। देवांश ने जैसी ये बात बोली, देवांश के वादे को बोला गया एक्नॉलेजमेंट, कि देवांश ने वादा किया कि मैं पैसा लेकर अपने ऊपर लायबिलिटी ले रहा हूं और ये 1,00,000 रुपए मैं आपको दूंगा, आई एम लायबल टू पे यू 1,00,000 रुपीज, मैं आपको 1,00,000 रुपए पे करने के लिए जिम्मेदार हूं कि मैंने अंकुर भैया से ले लिया। अब देवांश के मन में लालच आया, देवांश ने देखा अंकुर भैया फ्लाइट में बैठ गए, हाँ भैया बैठ गए, उसे लगा अब तो भैया अंकुर भैया विदेश यात्रा पर निकल लिए, अब कौन दे रहा पैसे, देवांश ने पैसे देने से मना कर दिया, नहीं दे रहा पैसे, अकाउंट वाले भैया कह रहे भैया ना दे रहा, तेरे ऊपर केस करूंगा। देवांश कह रहा आप केस कर ही नहीं सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरे और अंकुर भैया के बीच में, तो अंकुर सर ही केस करेंगे, आप केस नहीं कर सकते। बात जब कोर्ट तक पहुंची तो जज साहब ने बोला हाँ भैया हम समझ गए, कॉन्ट्रैक्ट हुआ अंकुर भैया और देवांश के बीच में, अकाउंट्स वाले भैया कौन हो गए स्ट्रेंजर, लेकिन वो स्ट्रेंजर होते हुए भी क्या है, बेनिफिशियरी है, स्ट्रेंजर एंड बेनिफिशियरी, तो वो स्ट्रेंजर होते हुए बेनिफिशियरी है, तो अकाउंट्स वाले भैया आपके ऊपर केस कर सकते हैं। केस का नाम आया सूरज वर्सेस नाना, क्योंकि आपने लायबिलिटी एडमिट कर ली और आप बाद में अगर मना करते हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, आपके ऊपर केस भी हो सकता है। ये लिखी बात, टिक्की मतलब यू, या टिक्की मतलब
यू, तुमने पैसा देने से मना कर दिया। जज साहब ने क्या बोला, पी मतलब अकाउंट वाले भैया है ना, पी कैन रिकवर फ्रॉम अमाउंट फ्रॉम यू बिकॉज टिक्की वॉज एजेंट। तुम्हें क्या माना गया, तुम्हें एक तरीके से एजेंट माना गया, राइट, क्योंकि तुमने लायबिलिटी को एक्नॉलेज किया, यानी कि केस वही है, रिश्ता वही। सोच नहीं, अगर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियरी है तो वो स्यू कर सकता है। बोलो समझ गए सर, मजा क्या सर। और आखिरी बात, जो तुम्हारे घर घर की है कहानी, घर घर की सर क्या बात भैया, इंश्योरेंस करा रखा है? हाँ सर करा रखा है, करा, तुमने भी करा रखा है? हाँ सर सबने करा रखा है। अब इंश्योरेंस का पैसा तुम्हारे पापा, पापा पापा ने मान लो LIC या मेडिकल इंश्योरेंस के पैसे दिए, पैसे दिए तो क्या दिए, पूरी फैमिली के दिए, जिसे आप बोलते हो प्रीमियम, भरा प्रीमियम। कभी भी भैया घर परिवार में कोई बीमार हुआ तो पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी, हमारी जेब से ना लगेगा। अब मान लो एक बालक का बच्चा है ना, बच्चा बेचारा ठीक है, पूरी फैमिली के लिए पापा प्रीमियम दे रहे हैं, बच्चा बीमार हो गया, लेकिन बच्चा बीमार होकर भी बहुत खुश है, हॉस्पिटल में लेटर लेटर नाच रहा है, नाचो भैया नाचो, हॉस्पिटल में लेटर लेटर नाच रहा है, तो नाचो सारे जी फाड़ के, दिल से नाचो नाचो, दिल से नाचो। लोग कह रहे भाई बच्चा बड़ा खतरनाक है भाई, इतना बीमारी में हॉस्पिटल में बैठे तब भी नाच रहा है। लोगों ने पूछा बच्चे का खुशी, बच्चे भाई हमें खुशियां दे दे यार, हम बहुत परेशान है हॉस्पिटल में, तो हमें खुशियां दे दे, कैसी बात पर नाच रहा है। बच्चा कह रहा है कि जो भी पैसे हॉस्पिटल का बिल वाले बनाएंगे, हॉस्पिटल वाले बिल बनाएंगे, हॉस्पिटल का बिल पापा की जेब से नहीं जाएगा, पापा नहीं देंगे, इंश्योरेंस कंपनी देगी। इंश्योरेंस कंपनी वाले जब हॉस्पिटल पहुंचे सर्वे के लिए, इंश्योरेंस कंपनी वाले कह रहे हैं हम ना दे रहे पैसे। क्यों ना दे रहे भैया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पापा और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, तो पापा बीमार होंगे तो पैसे देंगे, बच्चा बीमार होगा तो पैसे नहीं देंगे। बच्चा बहुत खतरनाक निकला, बच्चे ने केस मारा फेंक के, कोर्ट चला के, कैसे नहीं दोगे हैं, कैसे नहीं दोगे, क्या देने पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था पापा के बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, और जो वो प्रीमियम भर रहे थे वो पूरे बच्चे का भी भर रहे थे और पूरे परिवार का भर रहे थे, तो भले ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ पापा और इंश्योरेंस के बीच में, बच्चा कौन हो गया, बच्चा हो गया बेनिफिशियरी, परिवार वाले कौन हो गए, बेनिफिशियरी। तो बच्चा इज स्ट्रेंजर बट स्टिल बेनिफिशियरी, बच्चा स्ट्रेंजर बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी कैन स्यू। जज साहब ने बोला असाइनमेंट मतलब बेनिफिट के लिए अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो केस कर सकता है। ये लिखी बात, इन केस ऑफ बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बेनिफिट इन द कॉन्ट्रैक्ट इज असाइनी कौन हो, बच्चा जिसके फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है वो केस कर सकता है। ये लिखी बात, बच्चा यानी इंश्योरेंस पॉलिसी कैन क्लेम द मनी, माने 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 माने, समझ गए सर, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया बात की है ना। हां सर, अगला केस सर, अगला केस, अगर एक प्रिंसिपल ने अपने एजेंट के थ्रू, एक प्रिंसिपल ने अपने एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो एजेंट जो होगा वो ग्राहक को सामान बेचेगा और एजेंट को तो कमीशन मिलता है, ग्राहक जो भी पैसा देगा सारा का सारा पैसा एजेंट को देगा। अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ एजेंट और ग्राहक के बीच में, सामान उसे सेल किया ग्राहक को, तो बताओ पैसा प्रिंसिपल को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, मतलब पैसा प्रिंसिपल को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए सर। क्यों, एजेंट और ग्राहक का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो प्रिंसिपल भले कॉन्ट्रैक्ट ना करे, ग्राहक से एजेंट ही कॉन्ट्रैक्ट करे, लेकिन प्रिंसिपल क्या माना गया, बेनिफिशियरी। तो अगर एजेंट पैसे ना दे तो बेनिफिशियरी यानी प्रिंसिपल कैन स्यू ऑन एजेंट। ये लिखी बात, प्रिंसिपल केस कर सकता है अपने एजेंट के ऊपर, क्योंकि एजेंट उसके नाम से ही सामान बेचता है, एजेंट उसके नाम से ही पैसा वसूलता है। जैसे कि हम जानते हैं पार्टनरशिप में पार्टनर एक दूसरे के एजेंट माने जाते हैं, ये बात तुमने 12th में पढ़ी भी है और ये बात हम पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ेंगे भी।
प्रिंसिपल केस कर सकता है तो कॉन्ट्रैक्ट अगर एजेंट के थ्रू हुआ तो प्रिंसिपल बेनिफिशियरी है, क्योंकि एजेंट जो माल बेचता है ग्राहक को वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेचता है, प्रिंसिपल का प्रोडक्ट बेचता है, खुद कमीशन खाता है। एजेंट तो क्या लेता है, एजेंट कमीशन लेगा, पूरा पैसा लेके चंपक नहीं हो सकता। इसलिए प्रिंसिपल केस कर सकता है। और मुन्ना मुन्नी, ओ पुष्पा, मुन्ना मुन्नी आखिरी केस आता है हमारा, कोविनेंट रनिंग विद द लैंड। उरी जरा सर, कोविनेंट का मतलब क्या होता है? कोविनेंट का मतलब होता है कंडीशन। अगर आप वो भी सिर्फ और इससे जुड़ी हुई, नीचे जमीन से, जमीन की कुछ शर्तें। अब सर ये कैसे केस हुआ? एक केस आया बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, मजा आएगा, सुनेंगे ध्यान से। एक भैया है मोहनलाल, मोहनलाल ने, मोहन ने सोहन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, सोहन को बोला कि भैया मैं तुझे अपनी जमीन सेल करूंगा 10 एकड़। सोहन कह रहा ठीक है भैया डील कर लेते हैं, पैसा मैं देने को तैयार हूं। लेकिन मोहन ने सोहन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जब भी मेरी मृत्यु होगी, मैं जमीन तो बेच रहा हूं लेकिन मेरी छोटी सी शर्त है, शर्त मंजूर है, हाँ, जब भी मैं दुनिया छोड़ के जाऊंगा, जब भी मेरी मृत्यु होगी, बूढ़े हो चुके थे अंकल जी, 10 एकड़ में से 1 एकड़ में पैसा कम कर दूंगा, 1 एकड़ मेरे बेटे को देना होगा। है कि नहीं बात? अब यहां बेटा देख रहा है, पापा सारी जमीन बेच दिए हो, मैं क्या करूंगा जिंदगी में? पापा कह रहे ना तू तो निकम्मा है, नलायक है ना, तुझे क्या बताऊं, चल फिर भी मेरे मरने के बाद 1 एकड़ तेरी हो जाएगी। मोहनलाल जी निकल लिए भैया, उनके मरने के बाद सोहन ने बेटे को 1 एकड़ देने से मना कर दिया। अब बेटा बेचारा मरता क्या ना करता, बेटे ने स्यू कर दिया कोर्ट में, स्यू सोहन। अब बताओ क्या 1 एकड़ मिलेगा नहीं मिलेगा? तो जज साहब ने बोला जमीन के साथ जो भी आप सेल परचेस करोगे उसमें जो भी कंडीशन डाली जाएगी, कोविनेंट, जो भी कंडीशन डाली जाएगी जमीन के साथ, जो भी कंडीशन डाली जाएगी वो जमीन के साथ कंडीशन क्या होगी सर? पूरी की जाएगी, यानी कोविनेंट रनिंग विद द लैंड। कंडीशन जो जमीन के साथ जुड़ी है वो लेन देन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है, वो पूरी करनी है, तो पूरी करनी है। तो कंडीशन क्या थी? 1 एकड़ किसको मिलेगा? बेटे को मिलेगा। तो उसने केस कर दिया, तो जज साहब ने क्या बोला? सोहन हैज टू गिव 1 एकड़ टू बेटा, बेटा को 1 एकड़ देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बेटे को 1 एकड़ देना पड़ेगा। बोलो समझ गया सर, मजा आ गया सर, राइट? यानी कि जमीन के साथ जो भी बातें लिखी हैं, जमीन के साथ जो भी शर्तें लिखी हैं, सब पूरी करनी है, बात खत्म। उसे बोला गया कोविनेंट रनिंग विद द लैंड। तो जिसके फायदे के लिए लिखी हैं, बेटे के लिए, तो बेटा कौन हो गया? बेटा हो गया स्ट्रेंजर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? कॉन्ट्रैक्ट है मोहन सोहन के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट है मोहन सोहन के बीच में। बेटा हो गया स्ट्रेंजर, पर स्ट्रेंजर होते ही बेटे को क्या माना गया? बेनिफिशियरी, स्ट्रेंजर एंड बेनिफिशियरी। तो भैया बेटा स्ट्रेंजर और बेनिफिशियरी होते हुए भी क्या कर सकता है? कैन सू बेनिफिशियरी, कैन सू, राइट? तो मोहन सोहन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेकिन बेटे के फायदे के लिए 1 एकड़ था, तो 1 एकड़ बेटे को मिलेगा क्योंकि बेटा बेनिफिशियरी है। तो ये पढ़ा हमने आज बहुत ही राज की बात, यानी आज राज की बात हमने क्या पढ़ ली सर? राज की बात बताएं भैया, राज की बात लिखेंगे आज। क्या लिखेंगे? लिखो रे पुष्पा, लिखो क्या? जर्नली स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू
नहीं कर सकता। किस केस में पढ़ा हमने? डनलप वाले केस में, राज सिमरन वाला केस। लेकिन लेकिन स्ट्रेंजर अगर स्ट्रेंजर अगर बेनिफिशियरी है तो वो स्ट्रेंजर स्यू कर सकता है, वो स्ट्रेंजर स्यू कर सकता है, ठीक है ना। वो बेनिफिशियर वो स्ट्रेंजर स्यू कर सकता है। ख्वाजा मोहम्मद हुसैनी बेगम, शुप्पू यानी कि मम्मी बहू, मम्मी बेटों के ऊपर, बेटी अपने ताऊजी के ऊपर, शादी वाला केस, ये बेटे वाला केस, जमीन के साथ जुड़ी हुई कंडीशन, प्रिंसिपल एक्नॉलेजमेंट, तुम अकाउंट्स वाले भैया को पैसे देने हैं, हम सब क्या निकले इन सब केसेस में? सब स्ट्रेंजर होते हैं, बेनिफिशियरी निकले। तो स्ट्रेंजर होकर अगर बेनिफिशियरी निकले तो ये सब केस कर सकते हैं। स्ट्रेंजर होते हुए भी, स्ट्रेंजर होते हुए भी वो केस कर सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रेंजर के साथ बेनिफिशियरी है। तो ढंग से दोबारा रिवाइज करेंगे इसे। बोलो सर समझ गए सर, मजा आ गया सर, क्या कॉन्सेप्ट था, बहुत ही शानदार जानदार। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक क्या करना है? पढ़ते रहना है, सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना है।